ये जो एक हमारे बीच में बहादुर सिपाही मनोज अंतानी जी है, कितने दिन जेल काट के आए भैया? 23 दिन जेल की हवा खा के आए हैं। संतोष नेता बनने वाले हैं। संतोष हम इसमें साथ में थे। संतोष भी साथ में थे। आपका छोटा भाई भी। भाई लोग मान्यवर कहते थे कि अगर आप जेल चले गए तो आप नेता बन जाओगे। अब आप नेता दोनों लोग, समाज के नेता तो आप बन ही गए हो, राजनीतिक नेता बन गए। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा हम सबका जय मंगल हो। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत-शत नमन करती हूँ। आपकी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं आया? तो साहब एक बात कहते हैं, वो क्या बात थी? कहते हैं भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस घोषणा पत्र को यानी संविधान को 100% लागू करूंगा। कितना बड़ा विजन लेके चले थे साहब कांशीराम, इस विजन की आपको जरा सा भी इल्म है? आपको आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि कितनी बड़ी बात साहब बोल के गए और हम लोग अपने जरा से स्वार्थ के लिए, अपनी जरा सी चमचागिरी की लत की वजह से आज आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा है इस दिल्ली क्षेत्र में, जहाँ पे करोल बाग जैसा एरिया है, जहाँ पे केवल अपने जाट समाज के ही लोग रहते हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे एरिया गुरुवार पता नहीं कौन कौन सी लोकैलिटीज है, यहाँ तक कि ये कोंडली वाला एरिया भी जहाँ पे केवल अपने समाज के लोगों का बाहुल्यता है, लेकिन फिर भी वोट आपका कोई और लेके चला जाता है क्योंकि साहब की वार्निंग ध्यान नहीं दिए। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, इसे किसी कीमत पे बेचना नहीं, लेकिन आपने अपने वोट को एक पगड़ा दारू के बराबर बना लिया, अपने वोट को 2000 रुपया में बेच दिया, अपने वोट को एक प्लेट मुर्गा और एक प्लेट मीट के बराबर कर दिया, और इसीलिए बेटियों की इज्जत भी आज मुर्गा और मीट के दाम पे बिक रही है। BHU जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही हूँ, इसी 15 दिन पहले की घटना है, रात 12 बजे वो बीटेक एमटेक की लड़की रात में चाय कॉफी पीने नहीं निकल सकती क्या अपने इंस्टीट्यूट में? अपने कैंपस में हमको डर लगने लगा है यार। अपने कैंपस में वो बच्ची निकल रही है रात में चाय पीने के लिए, और कुछ तथाकथित जातिवादी गुंडे, हिंसक गुंडे जिनको महिलाओं से नफरत है, वो उसका कपड़ा उतरवा देते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसका फोन लेके चले जाते हैं। क्या बीती होगी उस बच्ची के ऊपर कभी आपको एहसास है इस बात का? उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी कभी इस बात का एहसास किया? जब ये नारा दिए ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें समझ में आया ये नारा इन्होंने क्यों दिया। चैलेंज दिया था, नारा नहीं दिया था कि बेटी को बचा सकते हो तो बचाओ, अगर बच जाए तो पढ़ा लेना, क्योंकि हमारे गुंडे इनको वहशियों की तरह से चारों तरफ देख रहे हैं। और इसी दिल्ली में निर्भया केस तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही है। तो जब चैलेंज दिया गया, वो चैलेंज हमको अब समझ में आ रहा है कि वो चैलेंज कैसे दिया गया, और वही चैलेंज की वजह से आज जो हमारा वोट स्थिर नहीं है, दो 2000 रुपया पे अपने वोट को हम बेच रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम हो रहा है। इनकी आपत्तियां हैं आपके संविधान से, इनको आपके घोड़ी चढ़ने पे दिक्कत है, आपकी मूछें रखने पे दिक्कत है, आप ऊंची शिक्षा लो इस पे दिक्कत है, ऋतु जी के साथ में जो कुछ भी भेदभाव यहाँ पर हो रहा है वो भी उसका सीधा जागता उदाहरण है कि शिक्षा में भी हम आपको बराबरी नहीं लेने देंगे, हर एक चीज में इनकी आपत्तियां हैं। तो आप ये बताइए, अगर इनकी आपत्तियां इन सारी चीज पे है कि तुम अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, इसका मतलब इनकी आपत्ति भारत के संविधान पे है। भारत का संविधान जो सबको बराबरी का हक दे रहा है, इस संविधान पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको उनसे हमको सावधान रहने की भी जरूरत है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न, बार बार दिल्ली आती हूँ तो कुछ प्रश्न उठा करके जाऊंगी कि इस देश का जो लोकप्रिय नाम है इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है कि इसका नाम इंडिया कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकप्रिय नाम जो है उसको बदलना आसान होता है लेकिन देश के लोगों को हिस्सेदारी देना बहुत मुश्किल होता है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर देना बहुत आसान है लेकिन देश का विकास करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, अयोध्या नाम करना आसान है लेकिन अयोध्या वासियों की गरीबी दूर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर देना बहुत आसान है लेकिन शेड्यूल कास्ट का उसका अपना आरक्षण पूरा करना शायद इनको मुश्किल काम लगता है। कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाना
ज्यादा आसान है हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्हीं कांवड़ियों को रोजगार देना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैशलेस कार्ड बना रहे हैं कि आपका मुफ्त में इलाज होगा, कैशलेस कार्ड बनाना आसान है लेकिन मुफ्त में चिकित्सा देना, सुविधा देना बहुत मुश्किल है। पिछड़ों का वोट ले रहे हैं, ये पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना ले रहे हैं। वोट लेना आसान है लेकिन पिछड़ों को उनकी जाति, उनकी जनगणना के आधार पे 52% 56% का आरक्षण देना शायद इनके लिए मुश्किल काम है। गैर अंबेडकरवादी लोगों को शामिल कर ले रहे हैं ये, और इसीलिए तो आपके विधायक यहाँ बड़े पोस्टों में टंगे हुए हैं। गैर अंबेडकरवादियों को शामिल करना आसान है, एक अंबेडकरवादी को सही रूप में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ईवीएम आसान है, बैलेट मुश्किल है। ईवीएम से वोट की चोरी आसान है, बैलेट से मुश्किल हो रही थी। नेता खरीदना आसान है, वोटर खरीदना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा देना ये शायद इनको मुश्किल लग रहा है। और यही बात है कि 4-4 साल का रोजगार दे रही है सरकार, बोल रहे हैं अग्निवीर बनो, 4 साल का रोजगार देना आसान है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना मुश्किल काम है। और इसी के साथ ही साथ जो थाली बजवाया और हमारे मुख लोग थाली बजाए, थाली बजवाना बहुत आसान है और अस्पताल बनाना बहुत मुश्किल काम था। इतने लोग इस कोरोना के दौरान खत्म हुए, सभी लोगों ने लगभग अपने घर परिवार नात रिश्तेदार बहुत करीबियों को खोया। सरकार का इन सबकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उल्टा हमसे थाली बजवाया गया। हमारी सोची गुलामी का क्या लेवल था, जब बाबा साहब चैलेंज करते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा गुलामी को तोड़ने का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, तुम्हारा आजादी का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, बल्कि तुमको गुलाम बनाने के लिए धर्मशास्त्र है। तुम्हारी शिक्षा से तुम्हारा गुलामी को तोड़ने का रास्ता जाता है, तो इस गुलामी को क्या कहते हैं, गुलामी की क्या परिभाषा है? किसी चीज को जाने समझे बिना स्वीकार कर लेना गुलामी है, किसी पत्थर के आगे शीश झुकाना गुलामी है, हाथ में लाल धागा काला धागा पैर में धागा बांधना ये गुलामी की निशानी है, अपनी बीवी को ब्लेम करना ये गुलामी की निशानी है। बहुत साथी आज यहाँ उत्तराखंड में भी मिले, बोले बीवी ने बांध दिया, वही प्रश्न वही जवाब मेरा कि बीवी मंगलसूत्र देगी तो क्या बांध लोगे? हाँ, जो बीवी ने हाथ में धागा बांधा तो बांध दिया, बीवी चूड़ी देगी कड़ा देगी तो क्या पहन लोगे? तो बहन जी ऐसा तो नहीं कर सकते, जब वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? गुलामी की यही परिभाषा है कि अपना दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देना, ये गुलामी की निशानी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भीख मांग के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को उल्लू बना के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने किसी तीज त्यौहार पे भीख मांग के किसी से दक्षिणा मांग करके नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने भारत का संविधान लिखा और मेरे माँ बाप ने उस संविधान के द्वारा अधिकार लेकर के बहुत सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ रोटी कमाई और उस इज्जत की रोटी से हमको पढ़ाया लिखाया, जो आज हम प्रोफेसर बनकर के आप लोगों के सामने आ पाए। ये भारत के संविधान की ताकत है कि डरा रहा है संविधान, जैसे मूर्ति डराती है बाबा साहब की, जीते जी भी डरते थे, मरने के बाद भी डर रहे हैं, आज वो भय संविधान तक पहुंच गया। हमारे भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो आनंद भंते उनके पास आते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आनंद भंते भगवान से कहते हैं, भगवान बुद्ध से, कि भगवान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, आप अगर उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए संघ में फूट पड़ जाएगी, भिक्षु संघ भंग हो जाएगा, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। भगवान मृत्युशैया पे हैं लेकिन मुस्कुरा के आनंद से कहते हैं, आनंद मेरा धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है, धम्म ही उत्तराधिकारी है, मुझे किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है। ये उत्तराधिकारी बनाया धम्म को भगवान बुद्ध ने, और उस धम्म के सारथी निकले महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और जब शिक्षा को देने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए स्कूल खोलने पहुंचे, तो महात्मा ज्योतिबा फुले को भी 3-3 बार जान से मारने की कोशिश की, भगवान बुद्ध को भी जान से मारने की कोशिश की गई जब वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे, वो पीछे नहीं हटे, धम्म को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ज्योतिबा फुले पीछे नहीं हटे, शिक्षा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लोगों के जैसे हो पा रहे हैं ज्योतिबा फुले की वजह से, वैसे ही बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, किसको? आपको और हमको नहीं बनाया, उन्हें पता था बहुत नालायक है, एक नंबर के नालायक है। 14 अक्टूबर 1956 को सबने बुद्धम शरणम गच्छामि किया और बाबा साहब चले गए पीछे से सब अपना, कोई निरंकारी सत्संग में, कोई राधा स्वामी सत्संग में, कोई किसी सत्संग में, कोई कहीं पे भी
जाता आता रह रहा है, अपनी पसंद के देवी देवताओं को घर में बिठाया हुआ है। बाबा साहब आपकी नालायकी समझते थे, आपको बुद्ध की शरण में सम्मान के लिए ले गए, लेकिन लात खोरों को सम्मान का आदत नहीं है ना, इसलिए वापस लात खाने के लिए उन्हीं देवी देवताओं की शरण में पहुंचे और फिर लात खा रहे हैं और मुंह के ऊपर सुसु किया जा रहा है। बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? बाबा साहब ने कहा कि मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक ये संविधान जिंदा है, इस संविधान को कभी मरने मत देना। मानसिक 26+ की टीम, वो टीम तैयार करके बाबा साहब गए कि इस संविधान को कभी खत्म नहीं होने देना है। ये टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप अपनी जिम्मेदारी कभी भाओ, इस संविधान को अपना उत्तराधिकारी बना के गए। मैं तब तक जीवित हूँ जब तक ये संविधान जिंदा है, और जिस कलंक को बाबा साहब धोए, गुलामी जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर थोपी, उस कलंक को बाबा साहब ने संविधान लिख के जो धोया, और आज उसी संविधान के ऊपर इनकी गिद्ध की नजरें लगी हुई हैं कि कैसे ये चमार का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो गया, कैसे ये चमार की लड़की मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री का सपना देखने लगी, कैसे ये अहिर का बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा, कैसे वो कुर्मी का लड़का जो उसमें है बिहार में, कैसे वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा। इनकी आपत्तियां हैं आपकी शिक्षा से, इनकी आपत्तियां हैं आपकी योग्यता से, इनकी आपत्तियां आपके संविधान से, और इसीलिए संविधान पे नजर लगा के रखे हैं, लेकिन संविधान इतना कमजोर नहीं लिखा बाबा साहब, इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं, एक एक स्टेप एक एक कंकड़ फेंकते हैं, अगर रिएक्शन आता है तो पीछे चले जाते हैं, जैसे कुत्ता अगर कंकड़ मारिए भौ-भौ करिए तो वो पीछे चला जाता है, वैसे ये करते हैं। SC ST एक्ट में इन्होंने हमारे बहुजन समाज का रिएक्शन देख लिया, एक्शन रिएक्शन दोनों देख लिया, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नया संसद भवन बनाना आसान है, लेकिन संविधान को 100% लागू करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि संविधान को लागू होने का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, जो बुद्ध का सिद्धांत है उसको लागू करना। तो इनकी नजर है आपको गैर बराबरी के तरफ ले जाने, अब आपकी नजर कहाँ है ये आपको तय करना है। जिन देवी देवताओं ने, जिन मूर्तियों ने आपको सदा गुलाम बना के रखा, वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आज भी नहीं आएंगी। जिन धागों ने आपका सब कुछ छीन लिया, राजा बलि के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं, सब कुछ छीन लिया धागा बांध बांध के, आज आप उसी गुलामी की तरफ अगर बढ़ोगे तो फिर अगर आपके संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उस वक्त को नहीं कर पाओगे। मानसिक 26+ की टीम बार बार साधुवाद के पात्र है, अपनी जिम्मेदारी ये निभा रही है संविधान के प्रति जागरूकता के लिए। आपको दुश्मन की रणनीति पे चर्चा नहीं करना है, उसका बड़बोलापन नहीं बताना है कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी रणनीति अपनी प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं इस पे फोकस होकर के हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हम लोग लगातार गांव-गांव चल रहे हैं सर, आप लोगों का बहुत सहयोग है कि हम आज आप लोगों के बीच में भी आकर के अपनी प्लानिंग को हम कह पाए। हमने कोई ऐसा संगठन या उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज में विघटन पैदा करना नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रकार से संगठन की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जो टीम हमें सामने दिख रही है, इस टीम का काम हमें सामने दिख रहा है, इस टीम का एक सदस्य अब मैं भी हूँ, और मैं अपना 100% आपको देने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। आज इस मानसिक 26 टीम के साथ में भी जुड़ करके अपना 100% योगदान आगे देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी साथियों को यहाँ पर जो मुझे बुलाए, आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। ये कार्यक्रम अकेले मानसिक 26+ टीम का नहीं है, इस पूरी टीम के जितने भी आयोजक लोग हैं, जो संयोजक लोग हैं, और हाँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ, ये जो एक हमारे बीच में बहादुर सिपाही मनोज अंतानी जी है, कितने दिन जेल काट के आए भैया? 23 दिन जेल की हवा खा के आए हैं, तो अभी ये नेता बनने वाले हैं। संतोष हमेश भी साथ में थे। आपका छोटा भाई थे। भाई लोग मान्यवर कहते थे कि अगर आप जेल चले गए तो आप नेता बन जाओगे, अब आप नेता दोनों लोग, समाज के नेता तो आप बन ही गए हो, राजनीतिक नेता पत्रकार रहेंगे, पत्रकार ही रहेंगे आगे। और ये मेरी प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, पूरी जो यूट्यूबर्स की टीम जो पूरी यहाँ पे दमखम से लगी हुई है, और एक मेरा छोटा बच्चा ये बाबू जो है बिंदर भाई का।